प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात में जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, एक वचन आपके साथ बांटना मांगती हूँ और आपके साथ प्रार्थना करना चाहती हूँ, जो कि लिखा है यशाया 40 और उसके 25 पद से हम लोग पढ़ेंगे 31 पद तक, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूँ। यहोवा इस बात को कह रहा है और वो लिख रहा है कि उस पवित्र का यही वचन है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो किसने इसको सृजा। वह इन गढ़ों को गिन गिन कर निकालता है और उन सबों को नाम लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थ्य और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता है। वो तारों का नाम ले करके उनको बुलाता है और लिखा है, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इसराइल तू क्यों बोलता है कि मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। हो सकता है कि आप बहुत दिनों से बीमारी में पड़े हों और आप सोच रहे हो कि आपको कोई नहीं देखता, कोई आपकी चिंता नहीं करता। आज की इस रात में खुदावंद की उपस्थिति में जब मैं बैठी हूँ तो इस बात को कह रही हूँ कि उसका कलाम आपसे आज के दिन ये बात कर रहा है और वो कह रहा है, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इसराइल तू क्यों बोलता है। वो तो देखो तारों का नाम जानता है, फिर तुम तो उसके सृजे हुए हो, उसके हाथों के बनाए हुए हो, उसकी रचना हो, उसके मानिंद बनाए गए हो। और लिखा है, हे याकूब तू क्यों कहता है और हे इसराइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। 28 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हैं, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता है न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम्य है। वो न थकता है, वो थकता नहीं है। प्रियो, जब आप उससे प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, जब आप उसकी ओर देखते हो, आपकी बात सुनने से थकता नहीं है। वो कहता है, उसका कलाम कहता है कि यहोवा जो सनातन और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता है न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम्य है। और आगे कह रहा है, यदि आप थक गए हैं बीमारी से, यदि आप थक गए हैं ताने से, यदि आप थक गए हैं शर्मिंदगी से, यदि आप थक गए हैं बार बार फेल होने से, वो कहता है वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। और लिखा है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते और जवान ठोकर खा कर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, वो आपको नया बल देगा। लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो काबू के समान उड़ेंगे। लिखा है, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। आज की इस रात में आपके लिए प्रार्थना करना मांगती हूँ। यदि कोई बीमारी में आप हैं, कैंसर की बीमारी, टीवी की बीमारी, एड्स की बीमारी, प्रभु यीशु नासरी के नाम से इसी समय अब चली जाए। यीशु के नाम से जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, उसके पूरे शरीर में खुदावंद तेरे लहू को लगा देते हैं। यीशु के नाम से हर एक बीमारी के बंधन टूट जाए। यीशु के नाम से टीवी जाता रहे, कैंसर जाता रहे। यीशु के नाम से घरों का कलह जाता रहे। यीशु के नाम से प्रभु यीशु नासरी हर एक वो बात जो निराशा लेकर के आती है, रोक देते हैं यीशु के नाम से। दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, खुदावंद इनके बल को तू नया कर दे। खुदावंद ये तेरी बाट जोह रहे, तू उन्हें नया बल दे। खुदावंद जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। यीशु के नाम से प्रभु यीशु नासरी इसी समय प्रभु यीशु नासरी जो शर्मिंदगी उठा रहे हैं, बांझपन की शर्मिंदगी उठा रहे हैं, खुदावंद तूने कहा है प्रभु यीशु नासरी कि जो शर्मिंदगी उठाते हैं खुदावंद वो दुगने आनंद के भागी होंगे। प्रभु यीशु नासरी तेरे हाथ में सौंप देते हैं इन जिंदगियों को। आज की रात जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है खुदावंद, इनके घरों के चारों ओर तेरे लहू का बाड़ा बांधते हैं, अग्नि का बाड़ा बांधते हैं। राबाशे खेरी का राबाशे हीरा बाशेरिया, इसी समय खुदावंद हर एक दुष्ट की शक्ति इनके घर से दूर होने वाली हो सके। प्रभु यीशु नासरी मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ खुदावंद, और प्रभु यीशु नासरी ये जो कमाते हैं खुदावंद, हो सकता है कई बार ये पैसे को सही तरीके से खर्च ना कर पा रहे हो, पैसे पूरे ना हो पा रहे हो, शैतान मैं तुझे यीशु के नाम से आदेश देती हूँ, उनके पैसों पर से अपने हाथ को हटा। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से अपने हाथ को हटा। इनके बीमारी के बिस्तर को खुदावन तो पलट दे यीशु नासरी। खुदावन अब रोने का, अब आंसू बहाने का, अब कल्पने का खुदावन अब
अंत हो जाए खुदावन यीशु के नाम से। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। पर तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। आज की रात जब ये सोए खुदावन, कल की सुबह खुदावन होने दे प्रभु यीशु नासरी, एक नई सुबह प्रभु यीशु नासरी, प्रति भोर तेरी करुणा हमारे लिए नई हो जाती है। एक नई सुबह खुदावन ये देखने वाले हो सके और बीमारी जाती रहे और आंसू बहाना जाता रहे और अब लड़ाई झगड़े जाते रहे खुदावन यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु यीशु नासरी, यीशु के नाम से आपकी जिंदगियों पर घोषणा करते हैं कि नई खबर, अच्छी खबर आपके लिए आ रही है यीशु के नाम से। प्रभु यीशु नासरी तेरे हाथ में सौंप देते हैं इन जिंदगियों को खुदावन, जो भी भाई, जो भी बहन, जो भी परिवार इस ऑडियो को सुन रहा है, यीशु के नाम से आपके घरों पर कल्याण बोलते हैं, आशीष बोलते हैं, बरकत बोलते हैं, पैसों पर बरकत, जिंदगी पर बरकत बोलते हैं यीशु के नाम से। यकीन मानिएगा, उसका वचन कह रहा है, उसका वचन सच्चा है और हर प्रकार से पवित्र है, योग्य है। उसका वचन कह रहा है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोहते, कितनी बार बाट जोहना, इंतज़ार करना हमारे लिए मुश्किल होता है, हम इंतज़ार करना नहीं चाहते हैं। पर हो सकता है आप 10 साल से, 20 साल से, 5 साल से इंतज़ार कर रहे हों, पर आप, आपके लिए खुदा का कलाम यीशु ये कह रहा है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु नासरी तेरे हाथ में सौंपते हैं और यीशु के नाम से इन जिंदगियों पर चंगाई की घोषणा करते हैं, बरकत मांगते हैं खुदावन, तेरे हाथ में सौंप देते हैं यीशु के नाम में, आमीन।